हम चाहेंगे इस कड़ी में महासचिव हर्षी भार्गव जी, महान क्रांतिकारी वीरापासी जी पे प्रकाश डालेंगे, वसंत सार सीतापुर को बसाने वाले महाराजा सीतापासी के जीवन पर भी प्रकाश डालेंगे। माननीय मूलचंद भार्गव जी, धन्यवाद साथियों। आज ग्राम कतवाल थाना सतना के अंतर्गत जिला सीतापुर में जो है जो सभा हो रही है उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे यदुनाथ पासी जी करें ना, श्री यदुनाथ पासी जी हमारे समाज के बहुत दूर दूर से आए पासी समाज की बहनों माताओं मेरे भाइयों, आज आप लोगों को अपने मध्य पाकर मैं अपने को धन्यवाद समझता हूँ कि आप लोगों के बीच में मैं आया। यद्यप मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा आपके बहुत ही पड़ोस, मैं ग्राम चरैया का रहने वाला हूँ। साथियों, हम लोग सभी लोग इस सभा को शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करेंगे कि आप लोग कोई जाइएगा नहीं जब तक जो कार्यक्रम हुआ और हमारे ऊपर जो मैं मेरे ऊपर जो छींटा कसी की गई, जो दुनियादारी हुई, मैं रिकॉर्डिंग सहित आप लोगों को सुनाऊंगा कि क्यों इतना बवाल ये हमारे बारे में कहा गया। वो सच्चाई मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मीटिंग शांतिपूर्वक हो, उसमें कोई भी निर्माता ना हो, क्योंकि ये मेरे समाज के जो है किसी वीर पुरुष की मनाई जा रही है। लेकिन वो सच्चाई भी सुन के जाइएगा कि जिस तरह से आपको लड़ाने और आपस में दुनियादारी करके ये मीटिंग के लिए जो है ये किया गया, उस चीज को भी वीरांगना वीर पासी की प्रतिमा लगाने की बात कही गई, आज वो नहीं लग पाई, उसमें भी तना कई प्रकार की जो दुनियादारी की गई वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन वो बात है, सभी लोग शांतिपूर्वक अपना ये मीटिंग करिए और वो सच्चाई जानने के बाद ही आप लोग जाइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर ततवल के कितने लोग हैं, हाथ उठाएंगे जरा। ततवल के जो ततवल में यहाँ पर मीटिंग हो रही है, एक दो तीन चार केवल 10-15 लोग। इसके बाद ततवल के अलावा जो हमारा गांव है एक सरैया पड़ोस पर रहता है, सरैया डी घूमता घोड़ा, जिन लोगों से हम लोगों ने कहा था कि आप सब लोग मीटिंग में आइएगा, जरा हाथ उठा दें कितने लोग हैं, जरा सब लोग हाथ उठाते हैं। तो अगर इतने लोग ये 10-15 जो आसपास के गांव हैं अगर आए होते तो 7 या 1000 की भीड़ होती। और हम लोगों के बारे में कहा गया वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। मैं केवल महावीर वीरांगना जिसकी आज ये हम यहाँ शहीदी दिवस मना रहे हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं वीरापासी का, केवल वीरापासी के बारे में बताएंगे साथियों कि वीरापासी कौन थे और इन्होंने क्या किया। साथियों, वीरापासी रायबरेली के क्षेत्र के महान सपूत, बहुत ही वीर सैनिक थे। ये राजा बेनी माधव जो रायबरेली के राजा थे उनके सैनिक थे। जब साथियों अंग्रेजों से घमासान युद्ध हो रहा था और लखनऊ के नवाब वाजिद अली साहब की सेनाओं को अंग्रेज लोग गाजर और मूली की तरह काट रहे थे, उनकी रानी जो थी बेगम हजरत महल, उसने वाजिद अली को सलाह दिया कि जो सैनिक महाराजा बेनी माधव के सेना में है जिसका नाम वीरापासी है, बहुत ही बलवान, बहुत ही जो है एक तरह से इन दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है वो इन लोगों से पार पा सकता है, अन्य कोई नहीं। साथियों, ये बात जब नवाब अली जो नवाब हमारे लखनऊ के नवाब थे
वीर सैनिक है उसको आप सेना नायक बना दीजिए, अपना अंगरक्षक बना लीजिए और वो आपका रक्षा करेगा। और ये युद्ध में जो है वीरता से लड़ते हुए हमको जो है जीत भी प्रदान करा सकता है। साथियों, जब बेनी माधव को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा काम मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूं, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। ये कितना मजबूत है, कितने इसके इरादे बुलंद है। तो उन्होंने वीरापासी को अपनी सभा में